यहाँ पर फाइनली जो है ना मेरे किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब हम पहले क्या क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं आज कद्दू की खीर नहीं आपको मैं बताई हूँ गाजर की खीर। तो गाजर कद्दू को भी जिस तरीके से हम क्रश कर लेते हैं उसी तरीके से हम गाजर को भी क्रश करके रख लीजिए। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना गाजर को क्रश करके रख ली थी। तो यह देखिए गाजर को मैं क्रश करके रखी हूँ और इसमें मैं जो है ना एक आधी गिलास पानी डाल दी हूँ। डाल दे के इसे गलने के लिए छोड़ देंगे हम एक 15 मिनट तक। जैसे ही ये गल जाएंगे फिर मैं आपको उसके बाद फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर हम एक भगोने में दूध डाल देंगे। ये गाजर जो है ना गलने के लिए मैं रखती थी। तो यहाँ पर गाजर जो है ना अच्छे से गल चुके हैं और थोड़ा एक 5 मिनट के लिए इसे गलने के लिए रखेंगे। और यहाँ पर जो है ना दूध गर्म हो रहा है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको मेरे चैनल से मज़ेदार अच्छी अच्छी सी रेसिपी भी मिलती रहेंगी। तब मिलेंगी जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर हमारे गाजर गल चुके हैं। हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे गाजर को ठंडा। तो यहाँ पर मुझे जल्दी है तो इसीलिए मैं जो है ना यही पैन को जो है ना एक पानी में रखूँगी। तो मैं इस तरीके से जो है ना ठंडा होने के लिए पानी में रखूँगी 10-15 मिनट तक। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे दूध में शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए गाजर जो है ना ठंडा हो गया। अब यही गाजर जो है ना हम दूध में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जो लेती हूँ और मैं इसे दूध में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं गाजर जो है ना दूध में डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें एक गिलास जितना पानी डालूंगी और इसे एक 15 मिनट के लिए गाजर और दूध को अच्छे से पकाऊंगी ताकि मज़ीद जो है ना गाजर अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए, अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी एक गिलास पानी डालने के बाद हम 15 मिनट तक जो है ना इसे गाजर और दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है ना अच्छे से गाजर और दूध जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है और बराबर प्रॉपर तरीके से जो है ना गल भी गया है। तो मज़ीद अब हम इसे और एक 5 मिनट के लिए हल्का सा और पकाएंगे ताकि मज़ीद और जो है ना अच्छे से गल जाए। तो इसी तरीके से हम इसे मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए मिक्स करने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पर दूध और गाजर जो है ना अच्छे से एक साथ मिक्स होकर अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसी के साथ इसमें ऐड करते हैं शक्कर। तो आप यहाँ पर शक्कर आपके अंदाज़ के हिसाब से लीजिए। जितना आप मीठा पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से उसी मुताबिक आप जो है ना शक्कर लीजिए। तो यहाँ पर अब इस दौरान मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शक्कर। शक्कर डालने के बाद इसे मिक्स करूंगी मैं। तो अब हम इसे शक्कर और दूध गाजर को एक 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है ना हमारी शक्कर जो है ना दूध और गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर यहाँ पर आप थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर टेस्ट करके देख लीजिए, अगर यहाँ पर शक्कर आपको कम लग रही है तो आप इसमें यहाँ पर शक्कर ऐड भी कर सकते। तो इसी के साथ साथ अब यहाँ पर मैं ली हूँ एक बॉल में मैं डाली हूँ कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर इसके हिसाब से मैं जो है ना आप अपने अंदाज़ के हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पर मैं जो है ना चाय के 2 चम्मच जितने जो है ना कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर ली हूँ और अब मैं इसे ठंडे पानी में घोल दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं कस्टर्ड जो है ना अच्छे से घोल ली हूँ। इस अब यही जो है ना मैं इसे दूध में शामिल करूँगी, इसमें ऐड कर डालूँगी मैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ऐड करेंगे।
उसी दौरान हम जब का जब इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, ताकि जो है ना, अगर जो हम जो कस्टर्ड डालें उसके लम्स ना रहें, तो इसकी वजह से हम इसे जब का जब जो है ना अच्छे से स्टर करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इसमें डालेंगे कुटी हुई इलायची, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ मैं मिल्क मेड। चाहे तो आप यहाँ पर जो है ना खोए का भी आप इस्तेमाल कर सकते, मिल्क मेड की जगह आप खोया भी आप इसमें यहाँ पर इस टाइम पर डाल सकते। तो यहाँ पर मैं ऐड कर चुकी हूँ मिल्क मेड, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक दो ड्रॉप्स जो है ना रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्लेम अब ऑफ करती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको खीर की कंसिस्टेंसी कितनी रहना है आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो हमारी यहाँ पर खीर की जो है ना कंसिस्टेंसी इस तरीके से इतनी थिकनेस रहना है, ताकि जो है ना अभी जैसे हम इसे रख देंगे एक घंटे दो घंटे के लिए, तो और ये मज़ीद जो है ना गाढ़ी हो जाएंगी और थिक हो जाएंगी। तो इसी दौरान अब मैं यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, और इसे ठंडे के लिए हम एक मीठी के बॉल में डालेंगे, तो उसमें जो है ना बहुत मज़ा आता है खीर खाने का। तो अब हम इसमें मीठी के बर्तन में जो है ना हम सर्व करते हुए मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं जो है ना सर्व कर चुकी हूँ, अब मैं इसे ठंडे के लिए फ्रिज में एक दो घंटे के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर मेरे रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो फौरी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।